आपके चैनल का। आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि वैसे तो सभी क्षेत्रवासियों को पता ही है कि कुंदन स्वीट्स अपने आप में एक पहचान है। तकरीबन 100 वर्षों से भी अधिक हो चुके हैं हमारे प्रतिष्ठान को, जो हमारे पूजनीय श्री कुंदन लाल जी जो हमारे परदादा हैं उन्होंने ये स्थापित की थी 1912 में। तो बच्चा बच्चा क्या सभी लोग जानते हैं इस प्रतिष्ठान के बारे में, तो इसके एड्रेस के बारे में तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये अपनी वैरायटी के बारे में सबको पता है, हमारे यहाँ पर मिल्क केक, मोहन खीर और इस टाइम घेवर जो काफ़ी प्रसिद्ध है जी, इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। बाकी और वैरायटी में आपको मलाई चाप, चमचम, रसगुल्ले वगैरह जो लगभग मिठाई में चलते हैं सभी वैरायटी आपको मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, क्या संदेश आपकी तरफ से जाएगा? सुनील जी, इस बारे में तो सभी जानते हैं कि तीसरी लहर को बड़े ही डेंजर बताया गया है WHO की तरफ से, और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार आपसे यही विनती कर रहे हैं कि इस तीसरी लहर से बचा जाए। तो इसके लिए सबसे बहुत बड़ी जो चीज़ ज़रूरी है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा कर रखें, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमको ये जाननी है कि वैक्सीन ज़रूर लगवानी है, क्योंकि वैक्सीन है किसका बचाव है। पहले लोग घबरा रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगवानी है, इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन अब ये लगता है कि नहीं, वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी हमारे बार बार आप सभी से यही निवेदन कर रहे हैं कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि वैक्सीन ही इसका आखिरी बचाव है। अगर हमको तीसरी महामारी से लड़ना है तो इन जो तीन चीज़ें हैं इनका ज़रूर पालन करें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहें और देश को भी।